नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। ऐसा क्या है आपकी किस्मत का लिखा जिसे कोई बदल नहीं सकता? आइए देख लेते हैं टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज लाए हैं। चलिए पॉजिटिव रहिए, हम अपने कार्ड्स की शफलिंग कर लेते हैं। तब तक आप सभी को पॉजिटिव रहना है, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना है, मन को शांत कीजिए। डिवाइन गाइडर्स, हमारे व्यूअर्स की किस्मत में ऐसा क्या है जिसे कोई बदल नहीं सकता? चलिए एस ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक कार्ड आपको विजिबल है। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है निकलकर। टेम्परेंस, वाओ, टेम्परेंस का कार्ड आया है। हेरोफेंट, द टावर, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट की एनर्जी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स, दो कार्ड और निकालेंगे। डिवाइन गाइडर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, एनर्जी बता रही है, कार्ड्स बता रही हैं कि आपकी किस्मत में, देखिए लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेस होते हैं, इंसान हमेशा ही खुशियां मिलती रहे इंसान को ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर किसी की लाइफ में सब तरह के फेस होते हैं और कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल आपने देखा है, बहुत सारे वाद विवाद देखे हैं अपनों से, आपका कई बार मन मुटाव हुआ है, कई बार ऐसी स्थितियां हुई हैं जब कोई रास्ता नहीं मिलता, जब आप बहुत ज़्यादा फंस गए किसी भी परिस्थिति में, तो इस तरह की स्थितियां भी बनी हैं आपकी लाइफ में। किस्मत ने सब कुछ लिखा है, देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किस्मत ने सब कुछ लिखा है लाइफ में, नाम और भी होगा और आप बहुत मेहनत भी करेंगे। देखिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं आप, बहुत सारी सफलता आपको मिल रही है, ये सब आसान नहीं है। जो भी रास्ता आपने चुना है, आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपका हो सकता बिजनेस है या फिर आप जॉब में हैं, जो भी है, तो आपको बहुत सारे स्ट्रगल आपने देखे हैं, वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी और बहुत लोनलीनेस है, बहुत अकेलापन भी आपने फील किया है। कई बार ऐसी स्थितियां हुई हैं जब बचने का कोई रास्ता नहीं था, कई बार बहुत ज़्यादा स्थितियां बहुत ख़राब हो जाती हैं, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते हैं। एक किंग की तरह, एक क्वीन की तरह आप फैसला लेते हैं और आपके डिसीज़न बिल्कुल सही होते हैं। मन में बहुत डर होता है कि पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। पैसा आपकी लाइफ में आता तो ज़रूर है, लेकिन बहुत मुश्किलों से आता है, बहुत आपने इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं, जब आप
बहुत ज्यादा मेहनत करते, बहुत ज्यादा अकेले आप अपने काम में जुटे रहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। टैरो कार्ड यही बता रहे हैं कि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करते हैं, और आपके जीवन में बहुत ज्यादा, कई बार तो ऐसा हुआ है कि स्ट्रगल ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार आपको डिप्रेशन भी होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है लाइफ में। फिर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा रास्ता निकल कर आता है, ईश्वर आपको कोई ऐसा रास्ता दिखाते हैं। जब आप बहुत उदास हो जाएं, जब आप बहुत थक जाएं, बहुत हार जाएं, तो ईश्वर आपको एक रास्ता दिखाते हैं और फिर आप उस रास्ते पर चलते हैं। कहीं ना कहीं आप ईश्वर पर बहुत भरोसा करते हैं, और वही शक्ति, कोई देवी शक्ति है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है हर बुरे वक्त में। हर बुरे वक्त में आपको देखिए कितने विपरीत परिस्थितियां भी होती हैं। आपने कई बार ऐसा आजमाया होगा, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा हो रहा है कि बहुत मुश्किलों भरा वक्त है, जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, फिर आपको कोई ऐसा रास्ता नजर आया जिस पर चलकर आपने अपने जीवन में सक्सेस हासिल की। जब उम्मीद ही नहीं होती है, वहां से आपको सक्सेस मिल रही है। इसका मतलब ये है कि कोई डिवाइन पावर है जो हमेशा आपके साथ रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है आपके साथ, किसी ईश्वरीय शक्ति का हाथ है, किस्मत में सब कुछ है आपके। देखिए स्ट्रगल है तो सक्सेस भी है। कई बार बहुत अकेलापन होता है, कई बार बहुत खालीपन आप फेस करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे अपनों ने भी साथ छोड़ दिया हो, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते। आपके अंदर की हिम्मत, आपकी जो अंदर से आपको ताकत मिलती है, वो जैसे किसी ईश्वर की प्रेरणा से आपको मिलती है, और फिर आप आगे बढ़ते हैं। और जब आप हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत कुछ मिल रहा है किस्मत से। जी हाँ, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है, जितनी भी मेहनत की है, अकेले होकर भी मेहनत की है। देखिए आप अपने काम में लगे हुए हैं, तो ना कोई सेलिब्रेशन, ना कुछ, आप किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, सिर्फ अपने काम पर आपका फोकस होता है। बहुत अकेले हैं, कई बार बहुत पैसे से भी इंसान को खुशियाँ नहीं मिलती हैं, तो कई बार ऐसा भी आपको लगता है कि जीवन में बहुत ज्यादा अकेलापन है और अपनों का साथ नहीं मिलता कई बार, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, और फाइनली अंततः आपको सफलता मिलती है। द टेम्परेंस का कार्ड यही बताता है कि फाइनली आपको अंततः आप जो भी चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है, कि बहुत पैसा। ये सेवन ऑफ पेंटिकल, सेवन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो सेवन ऑफ कप्स यही बता रहे हैं कि आपको लग्जरी लाइफ, जो भी आप पैसा चाहते हैं, धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, वो सब कुछ आपको जरूर मिलेगा। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और आपके जीवन में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो भी आप काम करते हैं, मेहनत आपको जरूर करना पड़ेगी, ये मेहनत का टाइम है, तो आप मेहनत करें और फिर आपको अंततः बहुत सफलता मिलने वाली है। बहुत नेम फेम सब कुछ मिलेगा, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, हर चीज़ मिलेगी। देखिए पावर भी है आपको, पोजीशन भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, तो हर चीज़ आपको मिलेगी, किस्मत से आपको हर चीज़ मिलेगी। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे कार्ड हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं। बस यही सोच लीजिए कि ईश्वर ने आपको कुछ ऐसी प्रेरणा दी है कि आप अपने काम पर पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं। आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा।